रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान, एडवोकेट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएनसीआरसी की। यूएनसीआरसी मीन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों, ये वो आलमी मुआहदा है जो बच्चों को मुकम्मल तहफ़ फराहम करता है और पूरी दुनिया के बच्चे इस मुआहदे के तहत तहफ़ हासिल कर रहे हैं और तमाम स्टेट्स इस पर कवानीन बना रही हैं और जिन स्टेट्स ने इसे साइन किया हुआ है, इसे रेटिफाई किया हुआ है, वो तमाम स्टेट्स इस बात की पाबंद हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर इसी की अम्ब्रेला के नीचे कवानीन बनाएंगी ताकि हम तो पूरी दुनिया से बच्चों के खिलाफ मुकम्मल तशद्दुद का खात्मा कर सकें। तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं 26 आर्टिकल की। 26 आर्टिकल में कहा गया है कि बच्चों के इस हक को तस्लीम किया जाएगा कि इनको ज़रूरी समाजी हिफाजत मिलनी चाहिए, जिसमें बीमा की सहूलत भी शामिल है कि तमाम बच्चों को, जिस तरह बड़े अशखास को बीमा की सहूलत मुयसर आ सकती है, वो अपने मुल्क के अंदर बीमा की सहूलत, इंश्योरेंस की सहूलत ले सकते हैं, इसी तरह तमाम बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, तमाम जो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र हैं, चाहे एक दिन का बच्चा है या 18 साल का, तो वो तमाम बच्चे इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे और ये उनका बिल्कुल बुनियादी हक होगा यूएनसीआरसी के मुताबिक।